हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ लास्ट इयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है भाई कि एक चार्ज है क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रोड ए बी, ठीक है, और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट ओ पर, जो कि इसके एंड ए से एल डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस दे रखा है। तो हम देखें तो ये जो ए बी रोड है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके हर किसी पॉइंट पर चार्ज होगा, तो उस हर किसी पॉइंट की पॉइंट ओ से जो सेपरेशन है वो अलग अलग है। तो हम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है नहीं जो हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकें, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि हम एक एलिमेंट छोटे से एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, फिर हम पूरे के लिए निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम एलिमेंट माना स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं कि एंड ए से एक्स डिस्टेंस गए, हमने एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया भाई, ठीक है। इसके ऊपर मान लिया जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम डी क्यू डिफाइन कर लेते हैं। डी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल पर यूनिट लेंथ पर जो अपने पास चार्ज है वो इंटू जो इसकी लेंथ है डी एक्स, ये डी क्यू आ गया। अब डी क्यू की वजह से ओ पर पोटेंशियल लिखते हैं भाई, तो वी जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय के क्यूब बाई आर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी पॉइंट चार्ज के लिए। तो छोटा सा एलिमेंट माना है पॉइंट चार्ज ही है, तो इस वजह से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, एल प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू एल प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हमको अगर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो एक्स की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे वो देखते हैं। देखो अगर हमको ये वाला पॉइंट कंसीडर करना है तो एक्स कितना रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। हमको बी एंड वाला अगर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो कितना रखना पड़ेगा, एक्स को एल रखना पड़ेगा। तो जिसकी ओवरऑल लिमिट हो गई कितनी हो गई, जीरो से लेके एल तक, ठीक है। इंटीग्रेट करना देखो अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एल प्लस एक्स है वो कितना हो जाएगा भाई, टी मान लेते हैं। तो जो डी एक्स है वो कितना हो जाएगा, डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर निकाल दो, तो के क्यू बाई एल ये कांस्टेंट आ गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था, लिमिट जीरो से एल तक थी। अब जो हमने माना है उसको पुट कर देते हैं तो आ जाएगा के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी, और इसको क्या लिखेंगे, टी। लिमिट देखो अगर हमने चेंज कर दिया हमारा फंक्शन तो हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब एक्स जीरो था, जब x 0 था तो t कितना हो जाएगा, l, और जब x l था तो t कितना हो जाएगा, 2l, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है मतलब 1 बाई टी को कितना आ जाएगा, एल एन टी हो जाएगा। तो आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू एल एन टी, और जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, l से लेके 2l। तो यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेट करने पर के क्यू बाई एल इंटू एल एन 2l माइनस एल एन एल आएगा, तो उसको अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये हमने लिख दिया k को, इंटू एल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एल एन 2। तो यहाँ से ऑप्शन मैच करा लीजिए कौन सा रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया ये AIEEE 2012 का है कि एक इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ ए टोटल चार्ज क्यू, स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, रेडियस उसकी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले बात, इसने थोड़ा मिस्टेक कर दी, इसने अपन को ये नहीं बताया कि हम होलो स्फीयर है या फिर सॉलिड स्फीयर है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन चेक करें तो उसमें से कोई भी होलो स्फीयर का तो नहीं है। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4R इज लेस देन कैपिटल R, इसके लिए जो आती थी वो कितनी आती थी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल r, ये आती थी। और 4R इज ग्रेटर देन R, इसके लिए हम उसको पॉइंट चार्ज मान के सेंटर रख देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आती थी। अब बस हमको आर के साथ इसका फंक्शन बनाना है। तो जब हम देखें जब आर इज़ लेस देन कैपिटल आर है मतलब स्फीयर के अंदर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा कि फोर जीरो टू आर, कि जीरो से लेके आर तक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर अगर हम देखें R इज़ ग्रेटर देन R, तो वहाँ पे हमारे पास जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से इसके पास जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थैंक यू स्टूडेंट्स।